हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नकली सामान का भंडार मिलेगा। भंडार मतलब अगर आप एक बार इस मार्केट में कूद जाएंगे तो आपको इतना नकली सामान मिलेगा आप पागल हो जाएंगे। नकली खरीदते खरीदते क्या खरीदे नकली में तो हुआ क्या, हाल ही में मैंने अभी 20 मार्च को मैंने 10 मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करे सैमसंग गुरु म्यूज़िक 2। तो क्या था, मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता सकता एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है। मैं आपको कॉस्ट तो नहीं बता सकता कितने का ऑर्डर किया मैंने। चलो छोड़ो ऐसे सीन की, मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ। ये मैंने गुरु म्यूज़िक 2 ऑर्डर करे हैं, ये नकली मोबाइल हैं सैमसंग के गुरु म्यूज़िक 2, जो कि उन्होंने शो कर रखा है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने नकली हैं ये। ये दे रखे हैं इन्होंने 15,830 रुपये के 10 पीस, मतलब 1583 रुपए के इन्होंने दे रखे हैं आपको 10 पीस मोबाइल दे रखे हैं, जो कि इन्होंने क्या रखा है ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने ऑर्डर करे 20 मार्च को, ये मेरे पास आते हैं 23 मार्च को। तो जैसे ये प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर होता है, मैं इसकी पैकेजिंग ओपन करता हूँ। जब पैकेजिंग ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है फेक है, मतलब जो मोबाइल के डब्बे हैं वो फेक हैं। आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कि मैंने मोबाइल बॉक्स लगा रखे हैं, ये वही प्रोडक्ट है जो मेरे को पार्सल हुआ, ये सारे मोबाइल फेक हैं। तो क्या होता है, मैं इसकी कंप्लेंट रेज करता हूँ, और मैंने इसकी कंप्लेंट 24th को ही रेज कर दी थी आपकी। योर रिटर्न, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये रही मेरी रिटर्न, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी 24th को ही, 24th मार्च को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया साथ साथ ही। फिर मैंने इसे 29 को दोबारा से रेज करा, इन्होंने वो 31st मार्च को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या कर रहे थे, बार बार रिजेक्ट कर रहे थे कि कह के कि ये प्रोडक्ट जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसकी वारंटी आपको क्लेम करने के लिए सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। मतलब 24th मार्च से लेकर लगातार 31st मार्च तक एक ही लाइन कहते रहे अपनी कि अगर आपका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो आपको ये सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। और मैं इनको ये समझा रहा हूँ कि भैया ये प्रोडक्ट आपका लोकल है, ये फेक प्रोडक्ट है, फेक प्रोडक्ट लेकर कोई भी कंज्यूमर कोई भी कस्टमर अपना सर्विस सेंटर नहीं जा सकता। किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट हो आपका, अगर आपका लोकल प्रोडक्ट है तो आप उसको लेकर क्लेम कर ही नहीं सकते सर्विस सेंटर जाके कि प्लीज़ इसे मेरा आप चेक करिए। ये तो बिल्कुल ही इनकी इलॉजिकल बात हो गई थी, मतलब लॉजिक था ही नहीं इस बात में। मैं इनको यही समझाना चाह रहा था कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, और जबकि ये आपका 31st मार्च तक भी आप जैसे चेक कर पा रहे हैं, इनकी नज़र में ये था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, रिजेक्टेड ड्यू टू 31st मार्च वाले, देखिए आप, रिजेक्टेड ड्यू टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न्स ऑन क्वालिटी इश्यूज। मतलब 31st मार्च तक भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड प्रोडक्ट ही कह रहे थे। उसके बाद क्या होता है, ये 1 अप्रैल को फिर से सेम अपनी रिटर्न डालता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट उन्होंने 31st मार्च को रिजेक्ट कर दिए थे। तो 1 अप्रैल को भी ये सेम वही करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न ऑन क्वालिटी इश्यूज। देन उसके बाद 1 अप्रैल को मैं दोबारा से रिटर्न डालता हूँ दोपहर में, जिसके लिए वो क्या करते हैं, नॉन रिफंडेबल एज प्रोडक्ट डिटेल मैचिंग विद द लिस्टिंग विद नो अदर रिपोर्टेड इश्यूज। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब इन्होंने अपनी कॉल में बताया कि जो इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं, इन्होंने लिस्ट कर रखा है कि प्रोडक्ट 48 आवर्स चेकिंग वारंटी के हैं खाली, मतलब इनके हिसाब से वो प्रोडक्ट फेक हैं और ये फेक प्रोडक्ट सेलर ने बोलकर बेचा है, तो जिसके लिए ये अपना प्रोडक्ट रिफंड या हमारा अपना प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें रिफंड देंगे उसके खिलाफ। तो फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट रेज की अपनी, मैंने कंप्लेंट रेज करी है इसको आपकी आज की डेट में 3 तारीख को। मैंने पूछा भैया क्या क्या कंप्लेंट हो गई, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया है जो आप बार अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी आपने पूरी, अभी तक आपके लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट था, 24 तारीख से 31 तारीख तक आपकी खुद की वो है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इस चक्कर में हम इसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी बेस्ड होता है, कस्टमर को सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। अब आप रिसेंटली एकदम से आपने नई स्टोरी बना दी कि ये प्रोडक्ट ही लोकल है, सेलर कह रहा है कि आप सेलर ने ही लोकल प्रोडक्ट सेल किया है, मतलब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सेलर खुद ही कह रहा है कि हम सैमसंग का प्रोडक्ट कॉपी प्रोडक्ट ओपनली बेच रहे हैं।
अब मैं आपको इनका एक वो दिखाता हूँ, आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा इनका बिल। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपका कोई भी मोबाइल रिलेटेड बिल है ना, तो आप विदाउट IMEI नंबर के उस बिल को जनरेट कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि क्या होता है, एक IMEI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इनकी उड़ान की टीम की एक भी पर्सन को नहीं पता कि IMEI नंबर होता क्या है। IMEI नंबर अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, तो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो भी IMEI नंबर से ट्रेस होगा। अब मेरे को इन्होंने विदाउट IMEI नंबर का बिल के साथ 10 मोबाइल भेजे, वो भी डुप्लीकेट। मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताऊंगा अभी कि क्यों इन्होंने क्या सोचा होगा। चलो पहले बता ही देता हूँ एक बार, इनके सेलर ने सोचा होगा, जो सेलर ने प्रोडक्ट भेजा मेरे को, कि मैं 10 फोन भेजूंगा, अगर IMEI नंबर के साथ वो भेजेगा मेरे को तो क्या होता है, अगर सेम IMEI नंबर के साथ इसने मेरे को बिल भी भेज दिया और प्रोडक्ट भी भेज दिया, तो मेरे लिए ईजी रहेगा कि अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस करता या कुछ करता, मैं कंप्लेंट कर देता इन्हीं के खिलाफ कि भैया आपका प्रोडक्ट लोकल है, आपने सेम IMEI नंबर के साथ मेरे को बिल भेजा है और यही आपका प्रोडक्ट है, तो प्लीज़ इसे चेक करिए, ये डुप्लीकेट है। उसने सोचा कि IMEI नंबर नहीं भेजूंगा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जो कि इसे पता नहीं था ये बिल्कुल ही इलीगल है। IMEI नंबर के बिना तो भेज ही नहीं सकते आप बिल को। पहली तो मैंने इनकी कंप्लेंट करी द्वारा कस्टमर सपोर्ट में, इन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे नहीं होता, IMEI नंबर में इनवॉइस में ज़रूरी होता है। इन्होंने आगे उसकी डिटेल आगे सीनियर की तरफ भेजी अपनी बात। उसके बाद ये मेरे को क्या कहते कि सर इनवॉइस में कई बार मिस्टेक हो जाती है, IMEI नंबर नहीं रहते हैं। ये इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बात करी है कि सर ये रह जाती है दिक्कत, जो सुन के मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उड़ान की मिली भगत है इस स्कैम में। मैं इसे स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन के साथ 16,000 रुपये का स्कैम कर सकते हैं, ये पूरी पैन इंडिया में काम करते हैं। और पता नहीं, मैंने आपको दिखाया, इससे नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, मैंने उसमें डायरेक्ट शो कराया कि एक तो GST ट्रेडर हो गया जो स्कैम कर रहा था, ये छोटा वाला फ्रॉड कर रहा है, और उससे मिलता जुलता ये आपका एक मोबाइल ट्रेडर्स के नाम से है एक फोन, वो भी सेम स्कैम में है। तो मैं तो इसे स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, पूरे पैन इंडिया में खेला जा रहा है। और एक जो छोटी सी अमाउंट 16,000 रुपये की एक सिंगल पर्सन से ले सकते हैं, तो सोचो आप कितना मोटा गेम है। कितने ही लोग दुकानदार ऐसे ऑर्डर कर देते होंगे अपने। तो क्या हुआ, फिर मैंने इनको कहा कि मैम ये ऐसे ऐसे नहीं है, तो बोलती कि IMEI नंबर तो सर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे गलती से हो जाती है, जब इतने सारे 50-50, 100 फोन बिल करते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैंने कहा मैम ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ है बिल्कुल, अगर आप 1,00,000 मोबाइल भी एक दिन में बेच रहे हैं तो आपको इनकी प्रॉपर वो रखनी चाहिए, एक डाटा इनके पास होना चाहिए कि कौन सा मोबाइल कहाँ बिका। जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो जितने भी ये वो होते हैं, मर्डर वाले केस हो गए आपके, रेप केस हो गए आपके, आपकी चोरी डकैती जितने भी आपके जुर्म वो हो गए जुर्म, ये सारे आपके लोकल फ़ोन से ही होते हैं, क्योंकि जिनका कोई अता पता नहीं होता कहाँ से परचेज किए, कहाँ से बिके, जो विदाउट बिल पे चलते हैं सारा खेल, विदाउट IMEI नंबर वाले मोबाइल, जिसे आप इन शॉर्ट विदाउट IMEI नंबर वाले मोबाइल कह सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी वो थी। तो मैंने आज की डेट तक अभी इनको यही कहा है कि सर इसे रिजॉल्व कीजिए, और इन्होंने मेरे को अभी होप दी है कि आपका आगे देंगे। आज मेरी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात हुई, उन्होंने मेरे को लास्ट कॉल पे बताया कि इसको कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब देखते हैं कल की कॉल में क्या होता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखिएगा कि एक बार मैंने जो इनको वीडियो बनाकर भेजी है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये मोबाइल बेचने से पहले तो बताते हैं कि इसकी जो वारंटी है 1 ईयर की वारंटी है और 48 आवर्स की चेकिंग वारंटी है, और जैसे ही आप इसे परचेस कर लेंगे तो जब भी 1 सेकंड में इनका वो चेंज हो जाता है, लिस्टिंग चेंज हो जाती है, जिसमें 1 ईयर गायब हो जाता है, ओनली 48 आवर की चेकिंग वारंटी रह जाती है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये उड़ान की टीम के साथ मिलकर ही हो सकता है ऐसा, क्योंकि कोई भी सेलर ऐसा नहीं कर सकता अपने आप, बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है काम। सो थैंक यू सो मच, देखते हैं अब कल क्या होता है। फिर से अब कल संडे है, अब देखेंगे कल क्या कॉल आती है उनकी तरफ से और क्या बताते हैं वो।
ये तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हो रहा है ऐसा, और मैं चाह रहा था कि आप सब भाइयों के साथ मैं अपनी ये स्टोरी शेयर करूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा काम उड़ान से ही निपट जाए तो उसी का फ़ायदा है, नहीं तो एटलास्ट मेरे को भी कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना पड़ेगा, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। मैं आपको उसका भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, मेरी हेल्प हुई नहीं हुई, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है कल को आप में से किसी भी भाई के साथ हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1 लाख रुपये का हो, फ्रॉड मतलब फ्रॉड, स्कैम स्कैम ही होता है। थैंक यू सो मच AMS स्किन्स पे। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट आपको और इससे अच्छी वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 10 से 15 पार्ट इसके बनेंगे ही बनेंगे वीडियो के, और मैं आपको इससे रिलेटेड काफ़ी और सारी नई चीज़ें हो सकता है आपको भी सीखने को मिले हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे।